एलविश यादव ने घर आते ही बता दिया है सबको कि धारा फूफा आ लिया है। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं बहुत बढ़िया। आज का व्लॉग है रिगार्डिंग बिग बॉस ओटीटी 2। पहले ये बताओ कि बिग बॉस ओटीटी 1 किस किसने देखा है? मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा लोगों ने देखा नहीं होगा, लेकिन जिन जिन ने देखा कमेंट सेक्शन में बताओ किस किसने देखा। इस बार बिग बॉस ओटीटी में मौका मिला दो यूट्यूबर्स को, लॉर्ड पुनीत को और फुकरा इंसान, और फिर वही हुआ जिसका लोगों को सब बेसब्री से इंतजार था। जैसे ही लॉर्ड पुनीत ये करके शुरू हुए, सब बंद हो गए भाई, सारे कंटेस्टेंट बंद हो गए। उन्होंने कहा भैया टीआरपी यही लेंगे और किसी को लेने नहीं देंगे। मैं बिग बॉस ओटीटी वैसे देखता नहीं हूँ रेगुलरली, लेकिन जब मुझे पता लगा कि लॉर्ड पुनीत को बाहर कर दिया गया है तो मैंने देखना शुरू किया कि भाई हुआ क्या। ये पता लगा कि 10 घंटे में लॉर्ड पुनीत ने पूरा घर हिला दिया था। उसके बाद एंट्री होती है दो नए वाइल्ड कार्ड्स की, वो भी दोनों यूट्यूबर्स थे, आशिका भाटिया और एलविश यादव। एलविश यादव ने आते के साथ ही क्या किया, बिग बॉस का सिस्टम जाम, सबको ये बता दिया और सबसे पहले अविनाश को ये बता दिया कि थारा फूफा आ लिया है। लॉर्ड पुनीत के जाने के बाद फुकरा इंसान को बहुत सारी चीजें सुनाई गई, तुम यूट्यूबर्स हो तुम्हें जानता ही कौन है, बट उन्हें नहीं पता था कौन जानता है और कौन नहीं जानता। ये सारी बातें एलविश यादव बाहर से रिकॉर्ड करके आए। और जो अविनाश को उधेड़ा है ना भाई, बेवकूफ का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा, बेवकूफ का बच्चा। हम तो अपना बेचुगली कर रहा था ना वहां पे, तो सिस्टम है भाई, क्या कर रहे हो तुम? हम तो सिस्टम ही सिस्टम कर रहे, करोगे सिस्टम मार रहा है। पार्ट लेके पार्ट है ना, तेरे बारे में बोलूं चाहे 10 आदमी के बारे में बोलूं, मेरा पार्ट ले काम है तो मेरे, मैं 3 बार और बच्चा बाप पे, अरे बाप पे बंद मत बच्चा, 3 बार और बोलूंगा, बोल फिर, वो तेरी पर्सनालिटी है उसका बच्चा है। अब होंगे सबके सिस्टम जैम क्योंकि घर में है एलविश यादव। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको मेरा व्लॉग पसंद आया हो तो इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय बाय।